नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल सादाबाद केसरी पर। मैं हूं सोनू चौधरी। किसान साथियों, इस समय पर दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों में जो है मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है, जिससे किसान की कमर तक टूट के रह गई है। क्योंकि दक्षिण भारत में ज़्यादातर किसान जो हैं धान किसान होते हैं या सब्जी उत्पादक किसान होते हैं। इसके साथ ही कई बड़ी मात्रा में जो है आंध्र प्रदेश हो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो या जो है केरल हो, यहाँ पर जो है किसान केले और जो है नारियल की फसल भी उगाते हैं, साथ ही दलहन तिलहन की भी फसल करते हैं। ऐसे में यहाँ पर बीते 36 घंटे से लगातार जारी बारिश की वजह से किसानों की कमर टूट कर रह गई है। हमारी इन सभी किसानों के प्रति गहरी संवेदना है और साथ ही हम वहाँ की गवर्नमेंटों से भी यह अपेक्षा करेंगे। हालांकि अभी जो है आचार संहिता चल रही है, लोकसभा इलेक्शन का चुनाव चल रहा है, लेकिन फिर भी आपदा राहत कोष से इन किसानों की जितनी संभव हो सके मदद की जानी चाहिए। किसान साथियों, इस वीडियो के माध्यम से एक और जहां दक्षिण भारत के राज्यों में जो है लालिनों की वजह से, चाहे वो तमिलनाडु हो, केरला हो, आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र का कुछ आंशिक हिस्सा हो या जो है तटीय आंध्रा का इलाका हो या अंडमान निकोबार समूह हो, ऐसे में यहाँ पर जो है भारी से अति भारी बारिश जो है देखने को मिले। एक और जहाँ इससे जनजीवन भी प्रभावित हुआ है, तो वहीं आलू पर आधारित किसान और आलू पर आधारित आढ़तियों के अरमान और ज़्यादा बढ़ चले हैं। क्योंकि दक्षिण भारत में हरी सब्जियां भी होती हैं, दलहन तिलहन केला और वो भी फसलें होती हैं, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं जब इन फसलों को नुकसान पहुंचा है तो कहीं ना कहीं इसका पूरा जो है रेशियो जो है आलू पर ही आधारित रहेगा। और ऐसे में आने वाले समय में दक्षिण भारत के सभी प्रमुख राज्यों में आलू में भयंकर तेज़ी आने की पूरी पूरी संभावना है। साथ ही किसान साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप जो हैं अपने बुद्धि विवेक से और सूझबूझ से काम लें, क्योंकि हालत बिल्कुल भयावह हो चले हैं। और इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी में आगामी 25 मई से रेमल चक्रवाती तूफान, जो कि लालिनों का ही एक विकराल स्वरूप है, इसका जो टर्फ रेखा है वो उत्तर प्रदेश को ऊपर हिट कर रही है, जो कि तटीय उड़ीसा पर इसका जो है रौद्र रूप देखने को मिलेगा। इसके चलते बिहार, उत्तर प्रदेश, खासकर के उत्तर प्रदेश पूर्व में जो है आने वाले दिनों में भयंकर बारिश और बाढ़ जैसी स्थितियां भी आप लोगों के सामने होंगी। तो इससे आप सभी लोग इस बात से परिचित हैं कि जब बाढ़ और बारिश जैसे हालात बनते हैं तो कहीं ना कहीं आलू पर लोगों की निर्भरता भी बढ़ती है। किसान साथियों, जो आप मेरे साइड में देख रहे हैं, ये उस बात की निशानी है कि जो तमिलनाडु हो या कई अन्य राज्यों जहाँ पर जो है भारी बारिश देखने को मिल रही है, तो इससे आप लोगों की एक जो है द्वार भी खुल रहे हैं कि आलू में जो है तेज़ी आएगी। और इसका सीधा साधा स्पष्ट रूप से उदाहरण जो है इस समय पर कोल्ड स्टोरेजों पर बिकने वाले आलू पर भी देखने को मिल रहा है। जो थर्ड ग्रेड कोल्ड स्टोरेज है उन पर भी जो है 50 रुपये की तेज़ी देखी जा रही है, और एक ग्रेड कोल्ड स्टोरेज का तो कहना ही क्या है कि वो तो अपने आप ही आगे चल रहे हैं। इसका सबसे प्रमुख स्पष्ट रूप से उदाहरण है ML कुशवाहा कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड शमशाबाद, जो कि किसान हित में लगातार काम करते हुए उच्च दरों पर आलू की बिक्री की जा रही है, जिससे किसानों को काफ़ी अच्छा फायदा मिल रहा है जो और कोल्ड स्टोरेज की छवि पे भी और ज़्यादा निखार आ रहा है। इसके साथ ही इनके जो दो और कोल्ड स्टोरेज सहयोगी कोल्ड स्टोरेज हैं वहाँ पर भी आलू जो है 1200-1250 की दर पर हाइब्रिड, वो भी 302 आलू बिक रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि आलू में तेज़ी है, और जिस तरीके से ये दक्षिण भारत में बरसात हो रही है वो कहीं ना कहीं आलू में और ज़्यादा तेज़ी के जो है द्वार खोलेगी। तो ऐसे में आप सभी लोगों के लिए ये सूचना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी कि जो है बारिश ज़्यादा हो रही है तो आलू में सुर्खी आएगी, क्योंकि टेम्परेचर डाउन होगा, तो टेम्परेचर डाउन होगा तो आलू की ऑटोमेटिक जो है मांग बढ़ेगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें आप लोगों के लिए पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में आधे से ज़्यादा आलू जो है कोल्ड स्टोरेज में सड़ने लगा है, और जिसकी वजह से व्यवसायी कोल्ड मालिक सभी परेशान हैं। तो इससे आप खुद इस बात को ध्यान रखिए कि आने वाले निकट भविष्य में आलू में पूरी पूरी और ज़्यादा अग्रिम तेज़ी की संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं, जो कि आप लोगों के लिए एक सोने पे सुहागा होने वाली बात रहेगी। ऐसे में आप सभी लोगों से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा, किसी भी परिस्थिति में पहुंचने से पहले आलू अपने हाथों में रखिए, जिससे आप आलू के अच्छे से अच्छा भाव ले सकें।
तो बहरहाल किसान साथियों, मैं आशा करूंगा कि आप किसान सभी जो हैं आलू के अच्छे से अच्छे भाव लें, जिससे हमारी जो उम्मीदें हैं कि आलू 1600 रुपये प्रति कट्टा पार बिकेगा, वो भी जो है अब जो है सफल हो जाए। तो आप सभी लोग जो हैं अपने आलू को अपने हाथ में रखिए, और हम जो है आप लोगों से यही निवेदन करेंगे, कृपया किसी की बातों में आकर अपने आलू को सस्ती दरों पर ना बेचें, क्योंकि ये तेज़ी का मसाल है और हम चाहेंगे कि आपको जो है निरंतर तेज़ी मिलती रहे। तो ऐसे में वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब भी कर